दोस्तों नया वर्ष 2024 उन सभी बच्चों के लिए नई उम्मीदें लेकर के आया है जो 2023 में अपने कौन सब्जेक्ट की वीकनेस की वजह से सिलेक्शन नहीं पा सके, या फिर ऐसे वो स्टूडेंट्स जो 2024 में अपनी बैंक प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, इन सभी के लिए एक तरह का वरदान बन के शुरू होने जा रहा है दक्ष प्रीमियम, जिसके कुल 233 घंटे में हम 3 अलग अलग पार्ट्स में पूरी कौन को ब्रेक करके पढ़ने वाले हैं। इसके पहले 50 घंटे में हम स्पीड बूस्टर के लिए कैलकुलेशन की तमाम अप्रोचेस के साथ साथ नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा और इनइक्वालिटी जैसे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है जो सबकी वीकनेस ज्यादातर लोगों की रहती है, अरिथमेटिक क्रैकर। इसके कुल 108 घंटे में हम हर एक टॉपिक को सब टॉपिक्स में ब्रेक कर करके बेसिक टू हाई लेवल के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। थर्ड यानी अंतिम पार्ट शुरू होता है डीआई क्रैकर, जिसके 75 आवर्स में हम हर एक टाइप की डीआई, चाहे वो बेसिक चार्ट्स में बात करें तो टेबल, लाइन पाई या बार ग्राफ हो, या फिर एडवांस लेवल के चार्ट्स, राडार, फनल, बबल, स्कैटर्स, लॉजिकल क्यूमुलेटिव, इस प्रकार की डीआई हो, तो इनको हम 3 डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल में ब्रेक करके पढ़ने वाले हैं। साथियों दक्ष प्रीमियम की जो क्लासेस हैं ये शुरू हो रही हैं 10 जनवरी से। क्लासेस की टाइमिंग होगी 4:30 to 6 PM। हर एक क्लास के बाद आपकी एक डाउट क्लास होगी और डेली आपको मिलेगी DPP यानी डेली प्रैक्टिस पेपर, साथ ही साथ सेपरेट कम्युनिटी और बहुत सारी चीज़ें। इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए विजिट करें adda247.com या फिर adda247 एप्लीकेशन, और डिस्काउंट के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं Y179। थैंक यू। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, मैं जीरो पे हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। फाइनल ईयर में तो एक बार पहले एग्जाम देंगे, उसके बाद फिर प्रिपरेशन में जुट जाएंगे। वो जो पेशेंस था, बहुत ज्यादा पेशेंस टेस्ट किया आईपीएस ने इस बार, मतलब ऐसी ही बहुत सारी कहानी हमारे 2023 के बैंकिंग एक्सपीरियंस की होगी। तब से ही एक्चुअली फेलियर का सिलसिला भी चालू हो गया। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, मुझको कब तक रोकोगे। ये लाइन्स बहुत सारे बच्चों के लिए, आप में से ज्यादातर लोग के लिए ये लाइन एक किताबी लाइन हो सकती है, मोटिवेशन के लिए किताबी पंक्तियां हो सकती हैं। लेकिन आज जो हमारे बीच आप सबके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस लाइन को वास्तव में चरितार्थ किया है, इस लाइन को फील किया है और उन्होंने इन लाइन्स को अपने जीवन में साथियों उतारा है। बैक टू बैक मेंस लिखने के बाद कुछ मार्क्स से रुक जाना, एक बार दो बार नहीं, कम से कम 6 से 7 बार, तो ये होता है ना कि अब लास्ट तक पहुंच करके बस इस बार हो जाएगा और बस कुछ मार्जिन से रह गया, एक ठोकर लगी, फिर दो ठोकर लगी, फिर 3 ठोकर लगी, और जब यही 5, 6, 7 ठोकरें होती हैं तो बहुत मजबूत आदमी भी हो तो वो भी अंदर से टूट ही जाता है। लेकिन अंत में कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वही सेम काम किया है। हमारे साथ है मृणाल बनर्जी, जो बैक टू बैक 7 से 8 मेंस लिखने के बाद 2022 में, 2023 में जब इनके रिजल्ट्स का सिलसिला शुरू हुआ है, वो हुआ है, तो जिनमें जो पहला रिजल्ट आया है आपके सामने RRB के रिजल्ट्स, RRB क्लर्क और RRB PO, इन दोनों ही रिजल्ट्स में उन्होंने फतेह हासिल की है, यानी RRB क्लर्क, RRB PO दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं। मृणाल बनर्जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है मृणाल आपका। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। कैसा महसूस कर रहे हैं मृणाल भाई? अभी तो बहुत बढ़िया सर, कि फाइनली हो गया सर, इतनी कश्मकश के बाद फाइनली। तो ये बहुत अटपटा सा लगता है यार कि 2022 में, जब आपकी जर्नी मैंने आपसे सुनी कि 2022 में बैक टू बैक कितने मेंस आपने लिखे थे 2022 में? तो 22 में तो मैंने 5 मेंस लिखा था। पांच मेंस 2022 में बैक टू बैक लिखने के बाद, और सोचो कि यार आप, मैं तो अगर मैं अपने आप को रख के देखे तो मुझे खुद बड़ा अजीब लगता है कि मतलब इतने मेंस लिखने के बाद आदमी कोशिश होता है ना कि इसमें तो हो ही जाएगा, फिर उसका रिजल्ट आता है ठोकर लगती है, अब कि ये वाला तो हो जाएगा, इसमें भी नहीं हुआ, तो होता ना उस टाइम कैसा फील हो रहा था, मतलब जब बैक टू बैक फेलियर आपके सामने आ रहे थे? सर अब क्या बात है, उसके बाद तो सर एक मेंस तो निकला भी था, IPSPO मेंस का, जिसमें सबसे टफ पेपर आया था, तो अभी तक का हम बोल सकते हैं 2022 वाला, वो तो मेरा निकला भी था। तो और आपने कहा था भी, क्योंकि मैं आपसे बोल रहा था कि नहीं निकलेगा, आपने कहा था कि नहीं निकलेगा, इंटरव्यू का कॉल लेटर भी आएगा, तो उसमें मेरा विश्वास थोड़ा सा दृढ़ बना था कि हाँ फिर आएगा, और आया भी तो खुश हुआ, लेकिन फिर भी इंटरव्यू देने के बाद जब नहीं हुआ तो थोड़ा सा वो होता है कि मतलब कब तक और कब तक। जी वो बिल्कुल, तो एक होता ही है सर। तो बिल्कुल सही बात है, कहा जाता है ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो ये बातें लिटरली आप सबको बिल्कुल प्रेरणा देगी, बिल्कुल इंस्पायर करेंगे मृणाल की ये कहानी यार, बैक टू बैक। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे हैं कि 2-3 फेलियर के बाद टूट से जाते हैं, मैंने बहुत से बच्चों के कॉलिंग रिसीव की है, बहुत सारे बच्चों से बात की है जो 2-3 प्रीलिम्स नहीं निकलता तो उसके बाद अंदर से इतना टूट जाते हैं कि सर अब तो वेट करने का मन कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा अगर आप लगे हुए हैं तो एक दिन निश्चित तौर पर जीत आपकी होगी। तो शुरू करते हैं मृणाल से अपना डिस्कशन। मृणाल कहाँ से हैं आप? सर मैं वेस्ट बंगाल जो स्टेट है
वहाँ पे आसनसोल नाम का एक सिटी है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। आसनसोल तो काफी यार फेमस है। वैसे आसनसोल की कुछ खास बातें बताएं, मतलब क्या फेमस है आसनसोल में? सर यहाँ पे तो भाईचारा ही सबसे ज्यादा फेमस है, इट इज नोन फॉर द सिटी एज सिटी ऑफ ब्रदरहुड। और सर आप अगर वो एक मूवी भी बना था रिसेंटली रानीगंज नाम से, तो कोल माइंस भी उसका फेमस है, अक्षय कुमार वाली जो थी। जी सर जी, ब्रदरहुड के लिए फेमस है। और अब अभी तो सर शायद बैंकर्स के लिए फेमस हो जाए, बैंकर साहब के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे बैंक बैंकिंग के लिए प्रेफर करते हैं। ये बिल्कुल 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 अच्छी बात कही आपने। अब धीरे धीरे करके बैंकर्स के लिए ही फेमस होगा ये, आप जैसे लोग निकलेंगे यहाँ से तो निश्चित तौर पे। अच्छा मौसम कैसा है अभी वहाँ का? सर ठंड तो बहुत है सर, मतलब हमारे हिसाब से तो बहुत ठंड है। ओके, लेकिन मुझे लग रहा है 1 जनवरी को तो काफी गर्मी भी हो गई होगी आपके घर में, है ना? ठंड का उतना असर नहीं होगा। उसके पिछली रात तो मतलब 2-3 बार नींद टूट रहा था हर 2 घंटे के बाद, तो लगभग मतलब सोया ही नहीं आप ऐसा। ओके ठीक है ठीक है, लेकिन 1 जनवरी के दिन काफी गर्मा गर्म माहौल। अच्छा कैसा जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन के बारे में कुछ बताएं, जब रिजल्ट आपने देखा तो पहले किसको इन्फॉर्म किया या सब लोग साथ बैठ के रिजल्ट देखे, क्या था वो? हाँ सर, नॉर्मली क्या होता था कि मैं अकेला ही देखता था, मेरा जो रूम पे जो मैं स्टडी करता था वहीं पर अकेला, मतलब सब कुछ मैं प्री मेंस सब कुछ अकेला ही देखता था। तो इस बार मैंने पहले से ठान लिया था कि मम्मी पापा के साथ में ही बैठ के देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट व्हाट एवर द रिजल्ट विल बी। और फिर क्या होता था पहले, मतलब इससे पिछले साल जो IPS लिंक पहले जो लिंक क्रिएट करते हैं वो सुबह 6 बजे लिंक क्रिएट कर देता है कि पहला लिंक कि अभी लेट इवनिंग पे आ जाएगा, 6-6:30 लिंक क्रिएट हो जाता है। और जो रिजल्ट आता है फाइनली 9 से 9:30 के बीच में रिजल्ट आ जाता है। इस बार क्या हुआ, लिंक क्रिएट होने में ही बच गए लगभग 7:45 के आसपास, और फिर भी हम लोग वेट कर रहे थे कि 9:30 पे आए और रिजल्ट है 11:15 पे। तो मतलब हम लोग तो वेट कर रहे थे 9 से 2 घंटे तक हम लोग बैठे हुए हैं कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। वो जो पेशेंस था ना, बहुत ज्यादा पेशेंस टेस्ट किया IPS ने इस बार, तो मतलब जान ले लिया स्टूडेंट्स का, सब लोग लिख रहे कि शायद इवनिंग ही कर दे। और फाइन मैं फिर छोड़ छोड़ के जब आएगा आएगा देखा जाएगा, चलो अपना काम करते हैं घर में। और मैं मम्मी पापा के आसपास ही था और अचानक से मेरा क्योंकि नेट ऑन था तो अचानक से पता चल के रिजल्ट आ गया, तो फिर मैं उन लोगों के पास ही बैठा था तो उन्होंने देख लो, तो उनके साथ ही बैठ के देखा। और वैसे मैं पहले सोचा था कि पहले क्लर्क का देखूंगा फिर पीओ का देखूंगा, क्योंकि क्लर्क का मैं अंदर से श्योर था कि ये तो हो ही जाएगा पीओ का इंटरव्यू, मतलब पहले मैं धक्का खा चुका हूँ तो डर लग रहा था थोड़ा। लेकिन इस बार मतलब पीओ का लिंक पहले ओपन हो गया, मतलब कुछ मैक्सिमम सेकंड्स, मतलब मान लीजिए 20 सेकंड पहले 30 सेकंड पहले या 1 मिनट पहले पीओ ओपन हो जाता है सबसे पहले, तो मैंने उस पर क्लिक किया और ओपन हो गया। और पापा ने कहा देख लो जो तुम्हारा ओपन हुआ वही देख लो, तुम डरते क्यों हो? तो मैंने फिर खोल के देखा, उसमें वही वाला बैंक हुआ, क्योंकि हमारे वेस्ट बंगाल में 3 RRB है, तो अपना होम पोस्टिंग तभी मिलेगा जब आप वो बैंक क्रैक करो जिसमें आपका होम पोस्टिंग वाला ब्रांच जिसमें है। और हमारे में इस बार उसमें वैकेंसी ठीक ठाक मतलब था, तो उसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं आते क्योंकि बहुत बड़ा बैंक नहीं है, तो उसमें पाना एक थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इसमें आपको मिल जाए। और मैंने वो फर्स्ट प्रेफरेंस भरा था, मैंने जब खोला पहले मैं अपना नाम देखा, फिर नीचे मैं पहले देखा कि टी से स्टार्ट हो रहा है कि W से, मतलब थैंक यू आया कि वी आर ग्लैड आया, तो मैंने W देखा कि वी आर ग्लैड, तो मुझे इतना कन्फर्म हो गया कि हाँ हो गया। फिर मैं नीचे धीरे धीरे बस आंख को लेके क्या नाम आया है, और मैं नाम देखा कि पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक, मतलब जो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था वो हो गया। मतलब उस टाइम पे तो मुझे लगा कि अरे मुझे ये वाला बैंक मिल गया, मतलब एकदम से मतलब जैसे झटका लगा कि वो वाला बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये बैंक कैसे हो गया। मतलब हो गया तो ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्क्स था तो आप मान सकते हैं कि ठीक है बहुत ज्यादा बुरा ना आ जाए इंटरव्यू तो हो जाएगा, लेकिन वो प्रेफरेंस मिल जाना वो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। और जैसे ही हुआ मम्मी तो वट सो मच इमोशनल, मतलब इतना रोने लगी कि क्या बताऊं कि ऐसा लग रहा था कि किसी का डेथ हो गया इतना रोने। खुशी में मतलब दहाड़ मार के रोना है। हाँ बिल्कुल, वो मेरे बगल में बैठी थी और मतलब मुझे पकड़ के इतना रोई कि मैं क्या बताऊं, मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया उस टाइम पे, तो वैसे मैं होता नहीं लेकिन फिर भी। नहीं यार मोमेंट ही ऐसा है ना, जैसे पिछले साल काफी कई बार जैसे अब झटके खाए आप, तो उसके बाद की ये सफलता लिटरली ये बहुत ही अजीब सा मोमेंट होता है, उसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता यार, है ना? उसको आपने फील किया, उसको मम्मी ने फील किया, है ना? बस एक्चुअली सर 2023 का 1st of April जब IPS PO का रिजल्ट आना था जिस दिन, उस दिन भी मम्मी रोई, लेकिन वो रोना क्या था कि बहुत दुख में कि फिर से नहीं हुआ। और इस बार जो रोई वो कि फाइनली तुम्हारा ऑफिसर, तुम ऑफिसर बन गए तो
ठीक है, मैं भी खुश हूँ कि चलो खड़े कर देने वाली कहानी यार। फील हम मतलब हम थोड़ा इमोशनल आदमी है ना, तो फील करते हैं तो हो जाता है, मेरी बॉडी सिहर जाती है एक बार से। चलिए ठीक है, ये तो भाई उस दिन की बात रही है ना, रिजल्ट के बाद, रिजल्ट के बाद। अब चलिए शुरुआत करते हैं थोड़ा सा, है ना, स्कूल कॉलेज के बारे में अपने बताएं, स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से, मतलब ग्रेजुएशन में आपने क्या किया? सर स्कूल का मेरा जो नाम है वो है कन्यापुर हाई स्कूल, वो मेरे घर से सामने है, मतलब 2-3 किलोमीटर दूर से, तो मैं लोकल से अपना मतलब 12th तक वहीं पे मैं पढ़ा हूँ। फिर उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग में कि मैं इस पे कुछ करूंगा आगे और खुद का शायद कुछ कर लूँ ऐसा, तो मैंने डिप्लोमा किया सिविल में, वो गवर्नमेंट कॉलेज है नजरुल सेंट्रल पॉलिटेक्निक, मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया सिविल का। फिर डिप्लोमा के बाद मेरा जॉब भी लग गया था, मतलब जैसे ही डिप्लोमा मेरा खत्म हुआ और आसनसोल में ही, मतलब मेरे सिटी में ही मेरा जॉब भी लग गया था, अच्छा खासा सैलरी वाला, मतलब डिप्लोमा के हिसाब से ठीक ठाक सैलरी दे रहा था। तो और उसके लेकिन फिर भी घर वालों ने बोला कि नहीं तुम अभी तो जॉब का तो क्या ही है, तुम कर लोगे तो बैचलर्स कर लो। तो मैंने अभी सोचा कि हाँ, और सीनियर्स भी बोले कि कर ले बाद में फायदा देगा, तो मैंने फिर बीटेक किया। दुर्गापुर है हमारे यहाँ पे एक सिटी, वहाँ पे एक कॉलेज है शोनोका एजुकेशनल ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वहाँ से मैंने फिर अपना बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग कम्प्लीट किया और फिर गेट का प्रिपरेशन किया एक साल। हाँ, जो फाइनल ईयर जो कोविड का साल था 2020, उस पर मैंने गेट के लिए प्रिपेयर किया एक साल, क्योंकि होता है बीटेक में थोड़ा सा गेट वाला। हम भी समझ सकते हैं, हम भी बीटेक ये कल्चर होता है ये। फाइनल ईयर में तो एक बार पहले एग्जाम देंगे, उसके बाद फिर प्रिपरेशन में जुट जाएंगे। और सर क्योंकि हमारे टाइम पे कोविड था तो हम फाइनल ईयर में ही प्रिपरेशन किए, गैप नहीं लिए, और प्रिपरेशन तो सर ठीक ठाक किए थे लेकिन क्रैक फिर भी नहीं हुआ ड्यू टू कुछ रीजंस है, मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया और भी कुछ रीजंस थे कि मेरा गेट हुआ ही नहीं, मतलब कट ऑफ से भी नीचे था, जितना मैंने पढ़ाई किया था उसका तो मतलब आसपास में भी मार्क्स नहीं है, मतलब दूर दूर। ठीक है ठीक है, नहीं हुआ वो सब 2021 जब गेट का रिजल्ट आया तब से ही एक्चुअली फेलियर का सिलसिला भी चालू हो गया। अच्छा, पहले गेट का पूरा एक साल तैयारी किया और मतलब तैयारी करने के बाद ऐसा रिजल्ट कोई नहीं एक्सपेक्ट करता, कोई भी नहीं जो हमको पढ़ाई मतलब हेल्प किए कॉलेज के लिए, वो भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि उनके पास बैठ के मैंने सॉल्व किया है, उनको पता है कि क्या कैपेबिलिटीज थी या नहीं थी। तो फिर वो एक हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। फिर उसके बाद सर मैंने बार की इसरो का भी सोचा कि कुछ करूँ, फॉर्म बहुत लेट आ रहा था उसका, आ ही नहीं रहा था जब आना चाहिए, तो उसको फिर ड्रॉप करके मेरा दोस्त है काली नाम का और माधव नाम का, उन्होंने फिर वो कहा कि चलो बैंकिंग का, उनको पता नहीं किसने सलाह दिया, तो उन्होंने एक्चुअली मुझे ड्राइव किया कि चलो बैंक की तरफ आओ। मैं तो पहले ना ही कह रहा था कि अरे, क्योंकि इस गेट का जो पैटर्न होता है ना वो है कि 3 घंटे में आपको 65 सवाल सॉल्व करना है, मतलब दम है तो करके दिखाओ, और बैंक में थोड़ा सा अलग चाहिए, डिमांड अलग है कि 1 घंटे में 60 क्वेश्चन प्री का, मैं अगर स्पेसिफिकली मैं उसका बात करूँ तो उसमें मैं तो पहले घबरा गया कि इसको, बिकॉज बिल्कुल ही अलग, उधर इतना टाइम ही टाइम तुम सॉल्व करो और इधर एकदम झटके से, मुझे लगा था कि मैं बिल्कुल भी, ये तो कभी नहीं होगा, मैं फालतू में अपना डायरेक्शन चेंज, क्योंकि पाथ पूरा चेंज करना हो रहा था कि एक से दूसरी तरफ कम्प्लीटली, और अगर नहीं हुआ तो मतलब इधर भी गया उधर भी गया। लेकिन फिर भी मैंने रिस्क लिया क्योंकि उस टाइम पे और कुछ मतलब वो नहीं आ रहा था, मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा था, दोस्त भी जा रहे थे तो मैं भी आ गया, चलो देखा जाएगा, एक बार कोशिश कर लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। फिर 2021 से मेरा बैंकिंग का प्रिपरेशन एक्चुअली स्टार्ट हुआ था। तो 21 में बैंकिंग की प्रिपरेशन आपने शुरू किया, आपने तो जर्नी बता दी अपनी कि, अच्छा ये जो अपनी फ्रेंड के नाम बताया, अभी 2 फ्रेंड का नाम आपने, एक उनका भी सिलेक्शन हुआ इसी साल काली कृष्णा मेरा ही दोस्त काली कृष्णा, हाँ क्योंकि उनका भी कॉल आया था मेरे पास कि सर सिलेक्शन हो गया, वो भी बहुत प्यारे स्टूडेंट है, मतलब एक साल से कनेक्ट है मुझसे, एक साल से वो भी सर अड्डा का ही स्टूडेंट है और माधव भी अड्डा का ही स्टूडेंट है। हाँ, तो माधव से तो मेरी बातचीत नहीं हुई, लेकिन काली कृष्णा का जब भी रिजल्ट वगैरह आता है तो मेरे पास कॉल करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई, आप मैंने काली सुना तो मेरे दिमाग में वही स्ट्राइक किया बच्चा, इसलिए मैंने दोबारा रिपीट किया आपसे। वैसे वेस्ट बंगाल से यार काफी होनहार बच्चे निकले, मुझे याद है कि एक रॉय बच्चे जानते होंगे, एक रॉय शायद अगर आपने क्लासेस ली हो तो नाम मेरे जबान से जरूर सुना होगा आपने, वेस्ट बंगाल का एक बच्चा एक रॉय ही था, वो भी अभी जॉब कर रहा है। तो यार वेस्ट बंगाल से काफी बैंकर्स निकल रहे हैं, आपने जो शुरू में कहा था ना कि अभी आसनसोल ये जो है बैंकर्स के लिए जाना जाएगा, तो बिल्कुल यही आप लोग रिदम बनाए रखें। शुरू करते हैं अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन जर्नी से, है ना, तो आपने जब स्टार्ट किया 21 में, तो कौन से मंथ से आपने स्टार्ट किया था, कब आपने एंट्री मारी?
कौन से मंथ में? 21 में तो पहले ये गेट का सिलसिला खत्म हुआ, फिर घर में मेरे भैया का शादी था तो उसमें मैं बिजी हो गया। फिर एक दो महीने तो गए फिर तो। बिल्कुल सर बिल्कुल। फिर क्या करूँ क्या ना करूँ इसमें, तो मतलब 2021 का मान लीजिए कि जून खत्म हो गया, फिर वो बैंक में हम थोड़ा सा जब SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन वगैरह आया था तभी हम घुसे कि चलो इसमें एक बार देखते हैं कि क्या है। तो तभी मतलब यूट्यूब में आने के बाद ही तब सबसे बड़ा चैनल अड्डा का था और अभी भी हमेशा रहेगा भी। तो बिल्कुल आप लोगों का प्यार रहा तो जी। तो सर जैसे ही सर्च किया तो अड्डा का आ गया कि ये सब है पूरा जीरो से हीरो और बहुत सारे वो तब आया, तो मुझे लगे ठीक है चलो इनका फिर सब्सक्रिप्शन लेके देखते हैं, यहीं से पढ़ते हैं। मतलब क्योंकि बिल्कुल कुछ भी नहीं आइडिया था कि क्या करूं, जीरो आइडिया जिसको कहते, एकदम मतलब ग्राउंड लेवल पे ही था। तो फिर वहां से हम तीनों ने ही एक साथ सब्सक्रिप्शन लिया। नहीं सर, वो लोग मेरे से पहले लिए थे और वो लिए थे 2 साल क्योंकि कुछ ऑफर चल रहा था और मुझे कुछ नहीं पता था कि ऑफर मतलब ये चलता ही रहता है कि खत्म हो जाते, कुछ नहीं पता था। उन्होंने बस कहा कि भाई हमने ले लिया तू भी ले ले, और मैंने थोड़ा सा डिले किया तो उस टाइम पे मुझे 1 साल का ही सब्सक्रिप्शन मिला उस प्राइस में, जबकि उन लोगों को 2 साल का मिल गया। तो हम चलो कोई बात नहीं 1 साल में ही निकाल देंगे, पहले तो यही जो भी अब तो निकालना है क्योंकि लेट नहीं कर सकते, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। तो फिर वहां से स्टार्ट किया। लेकिन शुरुआत में क्या गलती कर दिया, अड्डा में भी तब बहुत सारे कोर्सेस थे, बिल्कुल वाइड रेंज ऑफ कोर्सेस कि आप इनसे पढ़ो इनसे पढ़ो कुछ भी कहीं से पढ़ो, इतना ज्यादा मतलब एनॉर्मस अमाउंट ऑफ कंटेंट तब मौजूद रहता वहां पे। तो पहले तो वही लग गया कि कौन से टीचर को एक बार देख लूं कि है कौन, ये क्या पढ़ा रहा है, स्क्वायर पढ़ा रहे थे एक बार देख लूं, क्यूब पढ़ा रहे देख लूं, स्क्वायर रूट, ये सब करते करते ना बहुत टाइम एक्चुअली में गया। ठीक है लेकिन मतलब पहली बार आ रहा हूँ इस साइड में, देख रहा हूँ कि अच्छा ऐसे कर रहे हैं ये सब कर, तो इसमें थोड़ा सा गया। फिर पता चला कि अरे ये सब तो पुराने टीचर्स थे, वो अभी लेफ्ट कर चुके हैं, अभी संतनु शुक्ला चल रहे हैं। तो सर फिर और कुछ काली बाधव को तो मैंने रीजनिंग के बारे में पता कि सौरभ सर से पढ़ो, अभी जिनसे पढ़ रहे हैं वो पता नहीं अभी किस प्लेटफॉर्म में है, तो अभी सौरभ सर हमारे रीजनिंग पे है तो तुम उनसे पढ़ो। तो बोले ठीक है कहाँ से पढ़े, तो मैंने दिखा क्योंकि कोर्स में तब थोड़ा सा, अभी जो बच्चे खरीदेंगे वो इसे रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि तब थोड़ा सा इंटरफेस अलग हुआ, अब तो बिल्कुल ही अलग इंटरफेस। तो फिर आया तो फिर हम लोग फॉर्म फिलअप किए और एग्जाम देने गए, हमको लगा कि हो ही जाएगा, इसमें 75 तो बना ही लेंगे उसमें क्या। तो बनाए तो सिर्फ 55 और फिर कट ऑफ गया शायद 80 के ऊपर। तो मुझे वो डिफरेंस पता चला कि अरे भाई तू मतलब मैं कहाँ पे हूँ और क्या डिमांड है एग्जाम। तो फिर 21 में ऐसा भी टाइम आया था 21 में जब SBI PO का प्री देके मैं आया था, मुझे एग्जैक्टली याद था, मैं लिटरली रो रहा था क्योंकि उस टाइम पे मुझे DI नहीं बन रहा था SBI PO प्री में, मैं तो बैठ के और मुझे लगा कि क्यों नहीं बन रहा है, मतलब जो मैं DI बना रहा वो इतना ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है, एक ही क्वेश्चन इतना ज्यादा ही कैलकुलेटिव आ रहा था कि अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 5 मिनट लग रहा है, PO का एक पजल उठा रहा हूँ 10 मिनट लग रहा है, तो कितना बना लेंगे, 9, 10, 15 इससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं होगा। और इंग्लिश में भी कुछ उतना बहुत बढ़िया मेरा हल था नहीं, तो प्री के 5 नंबर 6 नंबर गैप में अगर PO हुआ तो क्लर्क हुआ तो और भी ज्यादा गैप कट रहा है। तो ऐसे करके पूरा प्री पूरा 21 में प्री खत्म हो गया। फिर 22 में हम लोग की सोचे कि करना तो बैंक में घुस चुका है तब तक, करना तो इसी में है। तो फिर थोड़ा सा इंटरप्शन चाहेंगे, आपने अभी एक बात का जिक्र किया उसपे हम थोड़ा अपनी राय जरूर देंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, जैसे कि आप BTech बैकग्राउंड आपका था है ना, चूंकि ये मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव रहा है इसलिए हम साझा कर रहे हैं कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं जिनकी मतलब चलो मैथ्स पे अच्छी खासी कमांड होती है, वो पहली दफा बैंकिंग एग्जाम हो या SSC का एग्जाम हो, बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ठीक है यार मैथ तो मुझे आती है, इसमें तो बड़ी सिंपल सी मैथ है, इसको तो हम उड़ा ही देंगे, ऐसा बहुत होता है। तो पहली दफा जो एग्जाम के लिए जाते हैं तो उनके साथ ये हादसा अक्सर होता है, आप इसमें कितनी सच्चाई आपको लगता है? हाँ सर बिल्कुल, मैं सर एक अंदर से एक हाँ एकदम ओवर कॉन्फिडेंट रहे यार कितने छोटे छोटे सवाल हैं, इसको तोड़ा ही देंगे इसको तोड़ा ही देंगे, लेकिन जैसा होता है ना कि फिर जब एक्चुअल जो एग्जाम की डिमांड है उसको समझने में जून जुलाई से स्टार्ट कर जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं बच्चे, उनके पास उस टाइम तो मौका होता नहीं है, जैसा कि आपके साथ हुआ बैक टू बैक एग्जाम लगे होते हैं, IBPS क्लर्क का है, फिर SBI है, फिर RRB के एग्जाम है, किसी का प्री है, फिर किसी का मेंस, बैक टू बैक एग्जाम होते तो शुरू से शुरू करने का टाइम होता नहीं, और छोटी छोटी जो टूटी फूटी तैयारी है उसी तैयारी के बिहाफ पे एग्जाम देते हैं। फिर जब ये ठंडा मौसम आता है अपना, सारे एग्जाम खत्म होते हैं,
ये एक्चुअली आपकी कहानी हो या मैंने बहुतों की कहानी देखी है, जब सारे एग्जाम का ये पूरा तूफान खत्म होता है ना, जून से जो जुलाई से शुरू होता है दिसंबर तक, फिर थोड़ी सी चेतना जगती है और वो चेतना आपकी जगी 22 जनवरी 22 में मेरे ख्याल से। हाँ सर, हाँ एक्चुअली हाँ 22 में, 22 में। फिर 22 की जर्नी आप स्टार्ट करिए, बताइए क्या किया सबसे पहले आप। 22 में तो सबसे पहले ये फाइंड आउट किया, क्योंकि तभी लग रहा था कि बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। ये वाला हम रिसर्च किए ना कि अगर मुझे 3 मिनट में एक पजल बनाना है या मुझे एक डीआई सॉल्व करना है तो मैं क्या करूं, मतलब मैं क्या गलती कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई तो बना रहा है तभी तो कटअप जा रहा है, और अगर कोई बना रहा है तो उसके पास कुछ अप्रोच तो होगा, ऐसे तो नहीं कि बस बैठ रहे आंख बंद कर कैंसर मार। तब मैं ये रिसर्च किया कि क्या मैं वो मिस कर रहा हूँ, कौन सा वाला वो कड़ी है जो नहीं जुड़ रहा है जिसकी वजह से मेरा मेरे से बन नहीं रहा और इतना टाइम लग रहा है। एक्चुअल में जो पेपर है ना, जो बीटेक वाले क्यों कॉन्फिडेंट रहते हैं या फिर मैं क्यों था, क्योंकि पेपर हम सभी बना लेंगे, मतलब जो लोग भी मैथ्स पढ़ाए पेपर में, मतलब प्री का बात करो, मेंस का नहीं बात करो, प्री का जो है वो सभी बना लेंगे, क्योंकि अगर 5 घंटा 6 घंटा दिया जाए तो सॉल्व क्यों नहीं होगा 20 क्वेश्चन, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वही अगर टाइम में सॉल्व करना है तब आपको अप्रोच आना चाहिए, नहीं तो सॉल्व नहीं, मतलब उस टाइम में नहीं सॉल्व होगा, आप रोगे बाहर जाके कि मेरे से नहीं हो रहा, मैं तो मुझे तो पता है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। तो यही चीज, तो फिर मैंने अप्रोच देखा कि क्या कैसे डीआई को, फिर देखा कि अच्छा फिर टेबल फॉर्म में बना लो तोड़ लो, और बहुत सारी एरिथमेटिक का भी, मतलब मैंने फिर ये मान लिया कि मुझे कुछ नहीं आता, बिल्कुल मैं जीरो पे हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं हर एक चैप्टर का हर एक वीडियो देखूंगा प्रॉपर, जो अप्रोच सर उसमें लगा रहे हैं मैं उसमें दिमाग नहीं लगाऊंगा, चुपचाप पहले सर का वाला सीख लूंगा, जब मेरा वो चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर मुझे अगर लगा अंदर से कि तुम इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर सकते हो तभी मैं हाथ पैर अपना चलाऊंगा, नहीं तो चुपचाप रोबोट की तरह करूंगा। ये मुझे बहुत फायदा दिया कि उस टाइम पे मैं बिल्कुल, मैं तो सरेंडर किया पहले कि हाँ मुझे कुछ नहीं आता, फाउंडेशन मतलब स्टार्ट किया जब आपने 22 की जर्नी, तो आप फाउंडेशन पे काम करना शुरू कर दिए, राइट। एकदम मैंने दक्स 7.0 से चालू किया था आपका वो मैथ्स में, और सौरभ सर का रीजनिंग 4.0 से मैंने, चैंपियन 4.0 से मैंने रीजनिंग चालू किया। ओके, तो यहां से आपने फाउंडेशन स्टार्ट किया और पूरा जी सर, वहां से बिल्कुल वहां से मेरा फाउंडेशन स्टार्ट हुआ, और फिर एक बार जब फाउंडेशन हो गया उसके बाद जब मैं मॉक लगा रहा था तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ अब तो बन रहा है चीजें, अब तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अरे 7 मिनट लग रहा है 8 मिनट लग रहा है, अब तो 3 मिनट में ही बन रहा है वो चीज जो पहले 10 मिनट लग रहा था। तो वो चीज आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ अब सब लोग कर रहे हैं, अब मैं भी उनके लेवल पे आ गया, अब बस मुझे उस दिन जाके परफॉर्म करना है। वो लेवल पे आने के लिए आपको एक बार सब कुछ अपना मतलब भुला के, जितना भी आपको प्रीवियस पता है उस सब भुला के एक बार सर जैसे कर रहे हैं बिल्कुल सरेंडर होके एक बार कर लेना चाहिए एक बार। जैसे ही वो चीज हो जाता है आप ऑटोमेटिकली अपने आप में इंप्रूवमेंट देखेंगे। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो स्पीड का बात है, एक बार आपको अप्रोच आ गया फिर स्पीड आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से ही आएगा और किसी चीज से स्पीड आपका बनेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो इसके बाद आपने फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद फिर क्या मॉक शुरू कर दिया आपने, और क्या उसके बाद जैसे मान लो कि एग्जाम के बीच में जो गैप था, सपोज आपने स्टार्ट किया अपना फाउंडेशन बैच जनवरी से अपना दक्ष स्टार्ट किया, और आई थिंक अप्रैल के आसपास वो सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, फिर एग्जाम तो आपका मान लीजिए जुलाई अगस्त से स्टार्ट होते हैं, है ना, तो इसके बीच का जो गैप था इसमें क्या आपने प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही अपने आप को सीमित रखा या फिर आप मेंस की दुनिया में कदम रख चुके थे। मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझे, कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो क्या उसके बाद आप मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिए या अपने आप को प्रीलिम्स तक ही सीमित रखे रहे, ये मेरा क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, मैं इसको अच्छे से एलाबोरेट करके बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये सर, 2022 में मेरे घर पे एक ट्रेजेडी हो गया, मेरा एक अंकल का डेथ हो गया और मुझे ही सारा क्रियाक्रम करना पड़ा। तो उस टाइम पे लगभग, और उनका पहले उससे पहले वो बीमार हुए, मतलब कैंसर वगैरह वो हो चुका, तो 2 से 3 महीने में ना वो मेरा बहुत, मैं बहुत ज्यादा टाइम दे नहीं पाया मेरे स्टडीज, क्योंकि डॉक्टर के पास ले जाने मुझे ही सब कुछ करना पड़ा। तो वो एक फेज गया कि हाँ ये वाला गया। उसके बाद जो हुआ कि जैसा आप कह रहे थे कि हाँ कंप्लीट किया, फिर मैंने बस मॉक लगा वो भी दैट टू ऑफ प्रीलिम्स, मेंस पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं गया, जिसको कहते हैं एकदम जीरो लेवल पे। पर मतलब कभी कुछ कोर्स आ जाता है तो थोड़ा बहुत देख लिया, मतलब एकदम बैठ के पढ़ना वो चीज नहीं हुआ मेंस के लिए। तो प्रीलिम्स का पर बहुत तगड़ा लेवल का प्रीलिम्स हो गया, मतलब मान लीजिए 200 से 300 मॉक्स, 200 to 300 मॉक्स आई हैव बीन कंप्लीटेड एट दैट टाइम। तो फिर
जब भी मैं दे रहा था मेरा परसेंटेज बहुत बढ़िया, मतलब रात को भी मैं उठ के मॉक दे दू 95% के ऊपर ही आएगा, ऐसे स्टेट में पहुंच चुका था। और फिर एग्जाम का भी क्या होता है, ये नोटिफिकेशन आ गया, फिर आपको अच्छे से देख के सब कुछ भरना पड़ता है, उसमें भी जब भी नोटिफिकेशन आता है तब भी आप बिजी हो जाते ये चीज ले। तो उसके बाद वो हुआ, फिर नोटिफिकेशन आ गया आरआरबी का, और तभी मुझे पहली बार पता चला कि आरआरबी भी एग्जिस्ट करती है। अब देखिए मैं ऑफिसर बन चुका। वाह क्या बात है। 2021 में मुझे ये तक नहीं पता था कि आरआरबी एग्जिस्ट करता, मतलब बिल्कुल बस आ गया, मतलब आना है तो आ जाओ अभी देख लो कि बैंक क्या होता है ये। फिर 22 में मैंने देखा कि अच्छा ये आरआरबी होता है यहाँ, इसका भी ये भी सरकारी एक बैंक है, इसका भी एग्जाम दो तीन निकलेगा ऐसा। तो तब जो मैंने मॉक लगाया था, आरआरबी का भी लगाया था, आईपीएस का भी, एसबीआई का भी, वो सारे मॉक्स मिला के मुझे आरआरबी में और जितना भी प्री आ रहा था बैक टू बैक बहुत फायदा किया, बहुत फायदा किया। मतलब मुझे कोई स्पेसिफिक फिर जरूरत नहीं पड़े कि 7 दिन पहले बहुत पढ़ लो, वो सब कुछ जरूरत नहीं पड़ी। मैं अगर 7 दिन तक एक भी मौका ना दूं फिर भी 8वें दिन में बैठ जाऊं मेरा निकल जाता इतना, क्योंकि उससे पहले का मेहनत बहुत ही ज्यादा तगड़ा। मतलब मेरे पास कुछ फोटोज थे कि ऐसा साइज का मेरे पास एक बॉक्स था, उसमें मैं सिंपल शीट ऑफ पेपर में मतलब मैं प्रैक्टिस करता उसको मैं रखता था, वैसे 2-3 डिब्बा मतलब मेरा वो कवर हो गया था, तो इतना भर गया था वो चीज। तो वहां से मेरा प्रीलिम्स ही हुआ, मेंस पे ध्यान नहीं गया, मेंस मतलब थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स ही पढ़ रहा था, मेंस पे एक्चुअल ध्यान उस टाइम पे नहीं गया, और इसी का नतीजा है कि प्रीलिम्स तो निकला लेकिन मेंस पे कभी रुका कभी निकला कभी, मतलब वही। फिर जब 2022 का एंड तक आया था एंड, तब मैंने रैंकर्स जो आप पहले पढ़ा चुके थे या फिर DI 3.2 ऐसा कुछ था उसको मैंने देखना चालू किया, और उसी का नतीजा है मेरा IPSP और मेंस निकला। तो ये यार इस पे थोड़ा सा और चर्चा होनी जरूरी है बिल्कुल। अभी जैसा कि आप सबने सुना कि इन्होंने फाउंडेशन अपना कंप्लीट किया, फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने प्रीलिम्स के मॉक लगाना शुरू कर दिए, और ये ताबड़तोड़ खूब सारे मॉक्स ही लगाते रहे, प्रीलिम्स तक ही अपने आप को सीमित रखा इन्होंने, और इस वजह से इनको 2022 में प्रीलिम्स तो सारे निकलते गए लेकिन मेंस एक भी नहीं निकला, सिर्फ IBPS PO मेंस निकला था आपका, राइट? तो ये भी आप लोग के लिए एक सबक रहेगा जो 2024 में अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं साथियों, या ऐसी ही, मुझे ऐसा लगता है ऐसी ही बहुत सारी कहानी हमारे 2023 के बैंकिंग एस्पिरेंट्स की होगी जो आपके सामने मृणाल रख रहे हैं, कि अगर सिर्फ हम अपने आप को प्रीलिम्स तक सीमित रखते हैं और प्रीलिम्स से अपने आप को खूब पारंगत कर लेते हैं तो चलो ठीक है भाई प्रीलिम्स निकल जाता है, लेकिन आपको उतना ही चैलेंज फेस करना पड़ेगा आपको मेंस की परीक्षा में, या उससे ज्यादा ही चैलेंज फेस करना पड़ेगा मैथ और रीजनिंग की अगर बात की जाए तो, है ना? तो उसके बाद फिर आपने 2022 के बाद फिर रैंकर्स आपने कब से पढ़ना शुरू किया? रैंकर्स में 22 में जब ये आरआरबी का मेंस दिया, फिर मुझे पता चला कि अच्छा एक और मैं क्या गलती करता था, मैं प्रीवियस ईयर पेपर उठाया अड्डा का, वो शायद कुछ एक था 50+ प्रीवियस ईयर ऐसा कुछ, हाँ वही। तो वहां से मैंने वो देखा कि इससे पहले साल का क्या आया था आरआरबी पीओ में और क्लर्क में, रीजनिंग का क्या आया था, क्वांट में क्या आया था, वो सब मैं एनालिसिस कर रहा था कि कितना लेवल रहता है, जब वो मैं सॉल्व किया तो वहां पे मैंने बना दिया, मतलब घर पे बैठ के, तो मुझे लगा कुछ भी लेवल नहीं है। तो पढ़ाई का जो मान्य करना चाहिए ना आपको कि मेंस लेवल के, क्योंकि दिमाग में तो दिमाग का दही होता है मेंस में, तो उसके लिए आपको मन से तैयार होना पड़ता है। तो मैंने जब प्रीवियस ईयर लगा लगा रही ये तो कुछ है ही नहीं, ऐसे ही निकल जाएगा इसका तो कुछ है नहीं, तो वहां पे एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, क्योंकि उस टाइम प्रीवियस ईयर सच में इजी आया था, लेकिन एक बात हमको याद रखना चाहिए कि आप घर पे बैठ के कुछ भी लगा रहे हैं और वही सेम क्वेश्चन पेपर आपको अगर एग्जाम हॉल में बैठ के लगाना दिया जाए तो आपका जमीन और आसमान का जो डिफरेंस है ना वो आपका परफॉर्मेंस में दिख जाएगा कि घर में आप क्या कर रहे थे और इधर आप क्या कर रहे हैं। Exactly. इसका सबसे बेहतर एग्जांपल मुझे लगता है, मुझे इसका सबसे बेहतर एग्जांपल लगता है कि जब क्लास में बच्चे होते हैं तो वो उनका अक्सर ये होता है स्टेटमेंट कि सर आपके सामने तो क्वेश्चन बड़ी आसानी सॉल्व हो जाते हैं और जब मॉक लगाते तो होता ही नहीं है, ये सबसे बेहतर एग्जांपल है इसका, माइंडसेट का फर्क आ जाता है। बिल्कुल सही कहा मृणाल आपने, और ये जो माइंडसेट का फर्क था इसका ये जो ब्रिज है, इस गैप है, ये गैप को ब्रिज करता है आपका मॉक, मेंस का भी मॉक, तभी ये आपका जो गैप है ये आपका वो कंप्लीट होगा। तो मैंने फिर रैंकर्स चालू किया, तब मैंने मेरे पहला बार वो हुआ कि DI 3.0 किया था, फिर रैंकर्स में आ गया कि क्या होता है लेवल, कि एक्चुअल में किसको कहते हैं DI, एक्चुअल में किसको कहते हैं अरिथमेटिक,
तब एक्चुअली पता चला, उससे पहले मतलब वो अगर कोई करता है तो फिर प्रीलिम्स तो उसको मतलब लगेगी चलो ये तो बच्चों बच्चे खेल हो रहा है, मतलब अच्छा ये एक्चुअल में चीज है। तो जब वो सौरभ सर जैसे पजल लाए तो एक्चुअल में जब देखा कि अच्छा एक पजल में 1 घंटा लग रहा है, 1 DI में 1.5 घंटा लग रहा है, और मैंने जब उसको बैठ के बनाया आराम से इत्मीनान से, जब मैंने बैठ के उसको सॉल्व किया कि लग रहा है तो लगने दो, तब उसका ही नतीजा है कि IPSPO मेंस निकला। और SBI क्लर्क का भी जब मैंने मेंस लिखा था 2023 में हुआ था, 15 फरवरी से एग्जाम था, उसमें भी मेरा मतलब निकल जाता। उसमें मैंने एक गलती कर दी, ईगो में ले लिया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ईगो में नहीं लेना चाहिए। लेकिन वो जो अक्टूबर नवंबर में मैंने मेंस के लिए स्टार्ट किया था वो मुझे IPSPO में भी फायदा दिया, SBI क्लर्क में भी, मतलब मेरा खुद की गलती से नहीं हुआ, नहीं तो एग्जाम निकल, मतलब वो ये सिचुएशन में आ गया था कि एग्जाम निकल जाता, और उससे पहले नहीं पढ़ा तो RRB भी नहीं निकला, IPS क्लर्क का भी नहीं निकला, तो ये था हालत। ओके, तो 2023 तक अब आप मेंस पे भी काम करने लगे थे, 2023 मतलब IBPSPO मेंस आपका हुआ, रैंकर्स में आपने काफी मेहनत की, उसके बाद फिर अब क्या किया आपने जब 2023 की शुरुआत हुई जनवरी से, एग्जाम्स आपके सामने है नहीं, है ना, एग्जाम्स आपके सामने है नहीं, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल बेहतरीन लेवल पे हो गई है, आप अब एक रिपीटर्स की श्रेणी में आ चुके हैं, अब एग्जाम का सिलसिला स्टार्ट होगा अगस्त से, तो जनवरी से लेकर अगस्त तक की जर्नी क्या रही, इसमें बीच क्या किया आपने पढ़ाई के नाम पे? पहले तो क्योंकि 2022 में मेरा प्रीलिम्स निकला था, तो 2023 में कुछ मेंस थे, जैसे कि आपको कहा कि SBI क्लर्क का मेंस था और IBSPO का इंटरव्यू डेट था शायद 12 फरवरी, तो मैंने तो पहला बात यह कि मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया क्योंकि वो था, और मतलब मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 12 फरवरी था, और SBI क्लर्क का शायद 15 जनवरी या 30 जनवरी ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद आ रहा। तो ये वाला मेंस था और ये वाला इंटरव्यू था, बस यही दोनों था और कुछ नहीं। तो क्योंकि वो था तो फिर SBI क्लर्क का मेंस मैंने ये गलती कर दी, मतलब सारा सेक्शन में सही गया, रीजनिंग में मैंने 20 मिनट वेस्ट कर दिया, 20 मिनट। एक पजल को मैंने ईगो में ले लिया, वो नेवर स्किप वाला पजल होता है, उसको मैंने ईगो में, वो प्री में तो नेवर स्किप होता है कि प्री में आप उसको करिए, लेकिन मेंस में वो करना नहीं होता है, लेकिन क्योंकि IBSPO मेंस में भी वैसा पजल आया था और मैंने बना दिया, और क्यों मैं इसको दावा कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ टीचर्स या फिर यूट्यूबर्स जो वो मेंस लिखने गए थे उनसे वो पजल नहीं बना, लेकिन मुझसे बन गया, तो मेरे में थोड़ा और आ गया कि वाह तब तो बना सकता। और वही सेम टाइप का कैटेगरी का पजल जब आया SBI क्लर्क में मैं फंस गया, सेम टाइप का था, 20 मिनट मैंने दिया, 20 से 21 मिनट दिया, मैं पूरा देख रहा था और वो पजल नहीं बना, और क्योंकि वो पजल नहीं बना तो क्या गलती हो गया, मेरा एक और गलती हुआ था, मैं एस्पिरेंट्स को बताना चाहूंगा जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि मेरा मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ था मिसिंग इनपुट रीजनिंग में, मैं बता रहा हूँ जिसको पहले कर लेना चाहिए, मिसलेनियस में 3-4 क्वेश्चन मेरा मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ था जिसको पहले कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने गलती कर दी, मैंने पहले एक पजल पकड़ा और वो बन गया, वो मतलब मान लीजिए कि मेंस का पजल है 5 मिनट में बन गया, तो मुझे थोड़ा सा और आ गया कि आज तो फिर मेरा ही दिन है, और दूसरा पजल जो पकड़ा वो 20-22 मिनट भी नहीं बना, और इस बीच में क्या मिसलेनियस को मैं मार्क फॉर रिव्यू करते 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 आगे आया, तो मिसलेनियस वो मैंने गलती कर दिया, मुझे वो करके ही पजल पे आना चाहिए, तो तब मेरा सिलेक्शन हो जाता, आज मैं SBI क्लर्क में बैठा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, उससे बेहतर पोस्ट मिल गया। तो उसमें ये वाला मैंने गलती किया कि ईगो पे ले लिया वो पजल और मेरा टाइम खराब हुआ, इस वजह से SBI क्लर्क नहीं हुआ। तो उसमें मैंने दूसरा सीखा कि ठीक है, एक तो तुमको पढ़ना भी है मेंस के लिए, और दूसरा सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रोल, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर आपको मेंस निकलना है, अगर आपने गलत क्वेश्चन पकड़ लिया, चाहे आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी मेहनत कर लो, गलत क्वेश्चन पढ़े तो कट ऑफ नहीं निकलेगा, या तो सेक्शनल रूल या कुछ ना कुछ होगा, और आपका या तो मार्क्स कम रहेगा कट ऑफ से और आप नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, तो ये था सीख मेरा 22 का जो कि मैंने इस एग्जाम से सीखा, और फिर 22 में मेरा वो इंटरव्यू दिया IPSPO का, अपने लेवल पे बेस्ट प्रिपेयर किया, लेकिन जब 1 अप्रैल, और फिर एक और गलती किया, मैं 1 अप्रैल तक बस बिल्कुल बैठ गया कि अब तो हो ही रहा है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाए, क्योंकि 1 अप्रैल में IPS क्लर्क का भी रिजल्ट आना था, IPSPO का भी रिजल्ट आना था, और मैं पूरा बैठ गया कि अब बस, वो 12 फरवरी मेरा इंटरव्यू था, उसके बाद मैं बैठ गया, कुछ नहीं किया। ये था एक और बड़ा रीजन की झटका, और फिर जब रिजल्ट आया मेरा नहीं हुआ, तो मैं तो मतलब इधर खाई और उधर कुआ, मैं ऐसे सिचुएशन में फंस गया कि अब क्या करूं, पढ़ा भी नहीं और साल का 4 महीने भी चला गया और रिजल्ट भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने एक गलती नहीं किया, मैंने फिर प्री नहीं स्टार्ट किया, फिर मैंने मेन स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वो फेलियर आया, थोड़े दिन अपने आप को समझने में लगता है कि फिर से करेज जुटाओ, करो ये सब करने में, फिर मैंने प्री स्टार्ट नहीं किया,
फिर मैंने तुरंत से मतलब जितना भी दिन लगा 7-8 दिन 10 दिन अपने आप को थोड़ा सा वो किया कि करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, इतना पास आके कैसे छोड़ सकते हो। तब मैंने बस मेंस चालू किया, तब भी शायद आपने कहा था रैंकर्स हो गया तो रैंकर्स प्रो कर लो या ऐसा कुछ, तो वो वाला बैच मैंने उसके बाद चालू कर दिया था। शायद वो रिकॉर्डेड ही था, मतलब आपका शायद पहले सेशन हो चुका था, मतलब रिकॉर्डेड नहीं था, मतलब मान लीजिए कि आप 5वें वीडियो पे चल रहे तो मैं पहले से स्टार्ट करूँ, ऐसा कुछ टाइम हुआ होगा उस टाइम। तो मैंने वहां से फिर वो चालू किया क्योंकि मुझे दिख रहा था कि हाँ मेरा सिलेक्शन मतलब इसीलिए रुक रहा है कि एक तो थोड़ा सा मेंस में वो लेवल बढ़ना है और दूसरा कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन में मैं गलती कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने पहले थोड़ा सा प्रिपरेशन का हेल्प लिया, फिर उसके बाद मैंने मेंस का मॉक लगाया, ढेर सारा मॉक लगाया मेंस का, क्योंकि मुझे पता था कि प्रीलिम्स भी मेरा वो जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है वो मॉक की वजह से ही सही हुआ था। प्रीलिम्स में तो उतना भी सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन का मतलब पीओ में थोड़ा रहता है, क्लर्क में तब क्या ही करेंगे, तो मेंस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फिर वो मॉक और रैंकर्स ये दोनों से मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ और फाइनली आ चुका है इधर। चलिए बहुत अच्छी बात है यार। तो अभी तक की पूरी डिस्कशन में अगर कंक्लूड करें तो आपकी जर्नी कुछ इसी तरीके से रही है कि आपने सबसे पहले स्टार्ट किया तो फाउंडेशन अपना कंप्लीट किया, फिर आप मॉक लगाना शुरू किए, लेकिन जो सबसे पहली सबसे बड़ी गलती आपने की वो ये कि प्रीलिम्स का जो पूरा सिलेबस कंप्लीट है उसके बाद सिर्फ आप प्रीलिम्स पे ही अपने आप को सीमित रखे, प्रीलिम्स के ही मॉक लगाए आपने और इस वजह से प्रीलिम्स आपके निकले लेकिन मेंस नहीं निकला। लास्ट में आपने मेंस के लिए रैंकर्स से करना शुरू किया और रैंकर्स कंप्लीट करने के बाद आपका आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम निकला जो पहला मेंस आपका था, है ना। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू में नहीं हुआ, उसके बाद 2023 में फिर से आपने ये बड़ी अच्छी बात कही, 2023 जो आपकी सफलता वाला ईयर शुरू हो रहा है ना, तो उसमें आप सब जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इन्होंने चूंकि इनका एक बार सिलेबस वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया था तो इन्होंने अपने जो फ्री का टाइम है, फ्री का टाइम मतलब जब आपके एग्जाम्स नहीं है उस टाइम के इन्होंने मेंस के लिए पूरा डेडिकेट किया, पूरी तरीके से ये मेंस के लिए ही पढ़ाई करते रहे, जो इनका डिस्कशन है रैंकर्स प्रो के इर्द गिर्द होता रहा, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें, अब एक दो चीजें और हम यहाँ पे जानना चाहेंगे 2023 के कुछ एग्जाम्स की चर्चा करते हैं। अभी तक इस पूरी जर्नी में आपने इंग्लिश के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया, इंग्लिश की प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा अपना बताएं, और मेरा एक और सवाल रहेगा, पहले अपना इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे हुआ उसके बारे में बताना, फिर एक और ये सवाल रहेगा कि आरआरबी के एग्जाम जो है वो 5 तारीख से शुरू हुए थे, 5 अगस्त से, ठीक है, 5 अगस्त 6 अगस्त मुझे तो कुछ डेट याद नहीं है जो आप कह रहे हो, वही हाँ ठीक है हम बता रहे हैं आपको। तो 5 अगस्त से अपने आरआरबी पीओ के एग्जाम थे, 5-6 आरआरबी क्लर्क का एग्जाम था 12-13-19 और नेक्स्ट वीक 26 अगस्त से आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम थे, अगले ही वीक से आईबीपीएस क्लर्क। इस आरआरबी की प्रिपरेशन के दौरान आपका इंग्लिश से नाता दूर था और जब आपका आईबीपीएस का एग्जाम आया आईबीपीएस क्लर्क, फिर से आपने इंग्लिश पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, तो थोड़ा अपनी इंग्लिश की जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं, कैसे आपने इंग्लिश प्रिपेयर किया और कैसे ये टाइम इसको बैलेंस कैसे बनाया मृणाल। बिल्कुल सर, लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मेंस के लिए जो मैं भूल गया बताना, एक चीज मैं जो एक और गलती करता था, शायद लाखों एस्पिरेंट्स करते हैं, वो क्या करते हैं प्री निकलने के बाद मेंस पढ़ते हैं, जो कि मैंने भी किया था और ये भी वन ऑफ द रीजंस था कि मेरा मेंस नहीं निकल रहा था, क्योंकि प्री निकलने के बाद जितना टाइम रहता है उसमें आप क्या ही पढ़ लेंगे, अगर आपको उस टाइम पे रैंकर्स या कुछ भी कहीं कभी वो उस लेवल का खोल कर रख दिया जाए तो आप बस खोल कर रहोगे, तो बेटर है कि पहले पढ़। हाँ अब इंग्लिश पे आ जाते हैं, तो इंग्लिश का तो मैं जो बोलूंगा शायद कोई भी बिलीव ही नहीं करेगा, तो क्या ही बोल रहे हो आप। 2021 में मैंने इंग्लिश पढ़ा था, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, जैसे कि सभी लोग पढ़ाते हैं या शुरू करते हैं कि पहले नाउन पढ़ा दिए फिर प्रोनाउन, ये सब चीजें, तो पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरा 12th लेवल तक या फिर उससे पहले तक इंग्लिश मेरा बहुत ही अच्छा था, मतलब ठीक ठाक था, मतलब सारे स्कूल में जो इंग्लिश के मेरे जो मैं लिखता था ना उनको मेरा लिखना पसंद आता था कि हाँ मिनल तुम बहुत अच्छा लिख रहे हो, कुछ भी अगर मान लीजिए मैंने इसे लिख दिया ये लिख दिया वो सामने से आके तारीफ करते कि तुम्हारा जो ग्रामर का बेस है या फिर सेंस जो इंग्लिश का ना वो अच्छा है। और उसके बाद मेरे 2021 में जितना भी मैंने प्री दिया एक भी नहीं निकला और इंग्लिश भी एक वन ऑफ द रीजंस था, क्योंकि जो मेरा पहले से माइंडसेट था, जो मेरा पहले से कुछ था जो मैंने पढ़ा था अपना स्कूल के टाइम पे वो सब, उसके बाद जो मैं यहाँ पे आके पढ़ा नाउन और प्रोनाउन, तो दोनों में ना सिंक्रोनाइजेशन हो नहीं पाया। अच्छा, वो मेरा एक ढांचा अलग था और इनका ढांचा अलग है, और मैं इनके ढांचे में जाने के चक्कर में मेरा पूरा ही ये वाला ढांचा भी खराब हो गया। तो मुझे बेसिक ही नहीं समझ कुछ भी आ रहा है, मैं ऐसा गलती कर रहा हूँ कि क्या ही कर रहा हूँ, जो कि मैं अगर सब कुछ डिलीट करके पहले करता तो शायद वो हो जाता। तो ये चीज मैं 2022 में सीखा कि मैं अगर सही बोलू तो मैंने इंग्लिश पढ़ा ही नहीं,
और ये कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि मैंने इंग्लिश पढ़ा ही नहीं। तो मैंने क्या किया ना, मतलब ठीक है मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ कि सबको झटका ना लगे कि थोड़ा थोड़ा से, क्योंकि 2-3 साल का बात है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। मतलब मैंने कैसे किया मैं बता देता हूँ। यूनिट 1 में मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हजारों फॉर्मूला ये सब कुछ दिमाग में नहीं रहता, किसका लगाओ नाउन है कि प्रोनाउन है, कुछ समझो, ये करो वो करो, फालतू का चीज है मैं कह रहा हूँ। तो दिमाग का दही हो जाता था, और एक्चुअल में जो एरर आता था समझ नहीं आता कि किसका लगाऊं, क्या नाउन का देखूं प्रोनाउन का देखूं, और उसमें इतना टाइम जाता था कि आप पूरा 30 क्वेश्चन क्या करो। तो ये वो था। फिर 2022 में मैंने एक वीडियो देखा था, किसका पता नहीं, याद नहीं आ रहा अभी, कोई यूट्यूब में एक वीडियो था कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट नाम करके एक ही वीडियो था उनका, मतलब एक ही वीडियो आता था, वो मैंने एक बार देखा। तो अगर आप किसी से भी पढ़ लीजिए, वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो एक वीडियो होता है ना, वो एक मतलब वो एक पार्ट है इंग्लिश की प्रिपरेशन का, वो वाला अगर आप पढ़, हाँ से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ पता नहीं, हाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला, ये चीज अगर आप एक बार देख लेते हैं तो सेंटेंस को देखने का आपका नजरिया बदल जाता है, और फिर नाउन प्रोनाउन ऐसे नहीं देखता। ठीक है, तो वो चीज मैंने बस किया, सिर्फ वो चीज, सिर्फ और कुछ भी नहीं किया मैं। तो सेंटेंस का देखने का मेरा जो नजरिया था वो तो पहली बार चेंज हुआ, और दूसरा मैं जितना भी पढ़ता सब कुछ डिलीट कर दिया, कि जितना मेरा पहले का 12th तक या फिर कॉलेज तक जो मेरा बेस था मैं उसी को साथ लेके चला, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो मैंने वीडियो था सिर्फ उसके दम पे, मॉक्स के दम पे, और एडिटोरियल एक टाइम पे मैं पढ़ता था वीडियो से ही कि संतोष सर का देख लिया, लेकिन मैं इस सब चीजों में मैं रेगुलर, मतलब मेरा वो हैबिट बनता नहीं कि मैं रेगुलर पढ़ लूं, तो मैं 5 दिन देखा फिर नहीं देखा, ऐसा ही मेरा चलता था। तो मैंने फिर छोड़ दिया कि नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। तो इंग्लिश का मैंने बेसिकली यही किया कि जो मेरा क्वांट रीजनिंग भी मॉक ने सुधारा, मैं मॉक पे भरोसा किया, क्योंकि मॉक को मैं एनालिसिस करता था, और मैं सेंस से आंसर करने लगा, सेंस से, मतलब फॉर्मूला की जगह सेंस पे काम किया कि पढ़ के क्या लग रहा है, तुम एरर है तो कहाँ है, क्यों है, मतलब पढ़ के तुमको लग, मतलब ऐसा पता चल जाता है कि हाँ पढ़ के ये वाला जगह पर लग रहा है, अगर क्या एरर है नहीं पता चल रहा है फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमको ये पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे एरर है, तुमको 1 मार्क्स मिल गया, तुमको क्यों घुसना है अंदर, अगर अंदर घुसने के चक्कर में कुछ भी नहीं मिल रहा है तो एकदम बिल्कुल। अभी बहुत सारे बच्चे इसे डिसएग्री करेंगे जरूर, आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे इंग्लिश के लिए? जैसे आप एक एक्सेप्शन इस तरीके से हो सकते हैं क्योंकि आपकी जो स्कूलिंग थी वो उसमें आप इंग्लिश में बहुत होशियार थे। हाँ कह सकते थे क्योंकि वहाँ पे जो टीचर्स ने पढ़ाया था तो वहाँ पे जो मेरा सेंस क्रिएट हुआ वो, मतलब एक है हमारे टीचर श्री गौरंग मोहन तिवारी सर, उन्होंने जिस लेवल पे मुझे तैयार किया था मैं तो पूरा इंग्लिश का सक्सेस उनको वो करता हूँ कि 3-4-5 साल मैंने उनके पास इंग्लिश पढ़ा, जितना भी मैं अभी भी जितना मेरा सेंस है इंग्लिश का, जितना मैं कर सकता हूँ, जितना मैंने किया है एग्जाम्स में, पूरा श्रेय लगभग मैं उनको देता हूँ, और वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला वीडियो को देता हूँ बस। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये एक और चीज जानिए, तो रीडिंग का कितना बड़ा मतलब रोल है, रीडिंग किस तरीके से आपने रीडिंग स्किल कैसे अपनी इंप्रूव किया, रीडिंग पे कैसे काम किया, क्योंकि वो तो मैं एडिटोरियल पढ़ता था, ऐसा नहीं कहूँ कि नहीं पढ़ता था, लेकिन डेली बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, मतलब पूरा अगर 2 साल का मेरा जर्नी देखा जाए तो हो सकता है मैंने कुछ 20 दिन एडिटोरियल पढ़ा होगा तो लेकिन हाँ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, मैं इंग्लिश पॉडकास्ट सुनता था, ठीक है, जैसे कि शायद लोगों को पता होगा, मैं नाम शायद यहाँ पे नहीं ले सकता, लेकिन ठीक है सबको पता है कि इंग्लिश पॉडकास्ट अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छे अच्छे, मतलब जिनको अच्छी इंग्लिश आती है, कुछ स्पिरिचुअल टीचर्स भी हैं जो इंग्लिश में बातें करते हैं, आप उनका भी सुन सकते हैं, तो आपको दोनों तरफ का नॉलेज इनहेंस होगा, और स्पिरिचुअल नॉलेज मुझे इंटरव्यू में भी काम आया था, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया था, उस क्वेश्चन ने मुझे 10 मिनट उन लोग घुमाया, तो वहां से मुझे वो नॉलेज बहुत काम आया। तो मैं इंग्लिश बस सुनता था कि ये पॉडकास्ट सुन लिया, इनके सुन लिया, पढ़ना मतलब ठीक है, एक बुक मेरे पास है कुछ लीडरशिप के ऊपर, उसको कभी कभी पढ़ लेता था, मतलब मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा इंग्लिश, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ज्यादा नहीं पढ़ा, हो जाता था मुझसे इंग्लिश, मैंने जितना पढ़ा था उतना डिलीट कर दिया, कि 2021 में जैसे मैं देखना चाह रहा था एक सेंटेंस को, वो चीज वो अप्रोच मैंने डिलीट कर दिया, और एक नए जो मेरा पुराना था उसके साथ वो जो एक वीडियो से मैंने सीखा बस इसी से मैंने किया, और मॉक को अब दो, मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस करो कि क्या गलती हो रहा है, कहाँ पर गलती हो रहा है बस। ओके, एक लास्ट सब्जेक्ट नहीं घुसना चाहिए मुझे ये लग बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी
अभी एक लास्ट सब्जेक्ट हम लोग का रह रहा है डिस्कशन का, और डिस्कशन हम लोग का काफी लंबा हो चुका है वैसे भी, थोड़ा शॉर्ट में इस चीज को हम लोग रखेंगे। जीए को, आप जीए के लिए बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे, आपने कैसे प्रिपेयर किया और आप अपने हिसाब से बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, जो जीए अगर कोई भी डेली पढ़ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अगर डेली पढ़ रहे हो तो मतलब बेस्ट है, फिर आपको किसी का मतलब कहीं भी देखने की जरूरत नहीं, आप पढ़ते रहो चुपचाप अपना जो कर रहे हो और रिवाइज करते रहो, उससे आपका बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे। मैं जीए के लिए मैं एक 2022 में आशीष सर को मैं अप्रैल पूरा मंथ, मैं वो पहला ही था मेरे लाइफ में कि एक महीना मैंने पूरा देखा, वो भी आशीष सर को अप्रैल में मैंने पूरा देखा था। उसके बाद से फिर भी मैंने कहा कि आपको सर कि मेरा इरेगुलर थोड़ा सा हैबिट रहता है, मैं नहीं कर पाता ओपन ऐसे कि लाइव में जुड़ो देखो, मैं तो मेरे से होता ही नहीं है, मैं कितना भी कोशिश करूँ। तो मैंने एक महीने वो देखा, फिर नहीं हुआ। और जैसे ही आप ना देखो तो आशीष सर का इतना कॉन्टेंट रहता है ना कि 5 दिन छूटे ना तो आपको लगे कि कहाँ चले गए, समुंदर जैसा कॉन्टेंट खड़ा हो जाता है। हाँ बिल्कुल सर, आपको लगे मैं कहाँ खो गया। तो मैं जीए पढ़ता था पीडीएफ से, मतलब कोई पीडीएफ मिल जाए वहां से, मतलब वो मुझे मुझे कंफर्टेबल लगता था किसी को कोई। और आशीष सर का क्योंकि मैं पेड सब्सक्रिप्शन था मेरे पास अड्डा का, तो वहां पे उनका वॉरियर एक बैच है, वहां पे वो जीए पढ़ाते हैं, मतलब वीकली सेशंस भी अभी वहीं पे डाल रहे हैं कि वीकली इतना है और बैंकिंग अवेयरनेस का भी है। तो मैंने वहां से पढ़ा, डेली में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, मैं तो कह दिया मैं 22 में अप्रैल में मैंने पढ़ा था इस सर, डेली में फिर नहीं पढ़ा। और मैं पीडीएफ से पढ़ता था। और जीए के लिए मैं कुछ टीचर्स है जैसे आप जो कि वर्ल्ड अफेयर्स को लेके, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके या फिर वर्ल्ड अफेयर्स को लेके कि क्या चल रहा है देश दुनिया में, ऐसे वीडियो शायद दिन में एक दो वो लोग डालते रहते हैं, बहुत हाई लेवल के टीचर्स है, मतलब वो यूपीएससी के पढ़ाते हैं। अच्छा, तो मैं उनमें से एक टीचर्स है, तो मैं उनसे वो उनका जो कंटेंट होता है डेली शायद 2 वीडियो डालते हैं वो, या फिर 2 या 3 या फिर कभी कभी 1 वीडियो, तो वो चीज मैं देख लेता था कि अच्छा अभी देश में दुनिया में ये चल रहा है। वो उतना डिटेल्स में नहीं घुसता, मतलब ठीक है वो बता देते कि हाँ अभी ये चल रहा है, ये वार हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सब, तो मैं बस वो देखता था। और मैंने बस पीडीएफ से ही पढ़ाई किया। और जीए में मतलब मेरा भी कभी वो 40 में से 30-35 वाला मैं स्टूडेंट हूँ नहीं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप अगर उस लेवल पर आप पहुँचना चाहते हो जीए में तो आप डेली पढ़ो तो ही हो पाएगा। क्योंकि मेरा जीए था मिनिमल पार्ट कि मुझे ठीक ठाक करके इसको पार कर लेना है, मैं इस पर रिलाई नहीं कर रहा था कि बस ये ही मुझे उतार देगा। फाइनली अब थोड़ा सा बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो बच्चे 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी से उनको क्या शुरू करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, और बिल्कुल 2024 के लिए बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, पहली बात तो ये कि आप फाउंडेशन कोर्स कहीं से करिए, एक बार पूरा अपने ईगो को साइड में रखें, जो भी टीचर आपको जहां से भी आपका मेल जिससे जिनसे बैठ रहा है उन सब एक बार पढ़ लीजिए फाउंडेशन। फिर दूसरी बात यह है, मैं इंग्लिश को लेके बोलना चाहूंगा, आप पहले इंग्लिश का मॉक कहीं से भी उठा के दे दीजिए, और कहीं से मतलब जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक मॉक बनाता है, मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको इतना ही हार्ड दे दिया कि आपको लगने लगा क्या ही हो जाएगा, उतना हार्ड मॉक ना आप किसी से भी पढ़ के सॉल्व नहीं कर सकते, मैं ये भी बात बोल रहा हूँ, ठीक है? एक ठीक ठाक लेवल का मॉक, जैसे मैं अड्डा का खुल के बोल रहा हूँ कि अड्डा का भी आप मॉक टेस्ट आराम से लगा के देख लीजिए कि आपका इंग्लिश किस लेवल पे है। अगर आपके मार्क्स 20 या फिर उससे ज्यादा आ रहे कंसिस्टेंटली, मतलब आप 5 मॉक दे दिए, 5 में ही आपका 20 से ऊपर आ रहा है, आप किसी से इंग्लिश मत पढ़िए, ये मेरा आपका पर्सनल रिक्वेस्ट है, किसी से भी मत पढ़िए, आप डूब जाएंगे। अगर 20 से ऊपर मार्क्स आ रहा है चुपचाप उस पर एनालिसिस करिए, उस पर काम करिए, आपका वही 24-25-26-28 हो जाएगा, उस पर खुश रहिए, क्वांटिटेटिव पे पढ़िए। और अगर आपका बहुत ही कम आ रहा है कि 15-12, मतलब सच में आपका वो चीज वीक ही है, जो कि मैं एक चीज देखता हूँ कि बहुत लोग का ठीक ठाक रहता है, वो फालतू में रूल्स के चक्कर में जाते हैं और फंस जाते हैं। लेकिन ऐसे मृणाल यहाँ पे रोकना चाहेंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं होती है, नॉर्थ के, मेरा भी सर बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं है, मैं बंगाली मीडियम से पढ़ा हूँ, तो यूपी और बिहार में बहुत सारे बच्चे जिनकी इंग्लिश वो कल्चर में नहीं है, बहुत इंग्लिश वीक रहती है, ऐसे बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? तो जिनका वीक है मैं वहीं पे आ रहा था, जिनका मार्क्स जो मॉक दिए मार्क्स है 12-15-10 या फिर उससे भी कम, फिर आपको आंख मूंद करके जैसे आपने क्वांटिटेटिव में सरेंडर किया था, फिर आपको एक नया नजरिया ही चाहिए इंग्लिश को देखने के लिए, फिर आपको नया नजरिया जिन भी टीचर से आपका मेल बैठ रहे हैं उनसे पढ़िए। लेकिन अगर आपका थोड़ा भी ठीक है, मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ 20 से ऊपर अगर मार्क्स आ रहे हैं, फिर आप मतलब मेंस इंग्लिश में कोई भी मेंस का कंटेंट पढ़ रहे हैं पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए, जबरदस्ती ये नाउन प्रोनाउन वाले सेशन में आप मत घुसिए। आप कोई मैडम आपको वो पढ़ा रहे हैं कि जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, ये सब आप सीखिए, लेकिन नाउन प्रोनाउन में आप जबरदस्ती मत घुसिए, क्योंकि 5 नंबर के एरर के चक्कर में आपको जिंदगी खराब नहीं करना, ये मेरा एक पर्सनल सजेशन।
ओके तो क्वांट में जैसे आपने बताया कि फाउंडेशन में आपने कौन से बैच से फाउंडेशन कंप्लीट किया? 7.2 सर। दक्ष से किया था, तो दक्ष का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, क्या तो रिजल्ट सामने है? दक्ष में तो सर बहुत मजा आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत जम के होता था और सर आपका वो रिपीट वाला डायलॉग तो फेमस है ही और मैं ही वो बच्चा हूँ जो रिपीट बोलता था। अच्छा, तुम भी मैं अकेला नहीं हूँ, सभी लोग बोलते थे उसमें से मैं भी था कि सर एक और बार रिपीट कर दिए, सर एक और बार रिपीट कर दिए, समझ नहीं आया। और आप कहते कि तुम लोग थोड़ा भी नहीं वेट कर सकते, मैं कर रहा हूँ, दो बार तीन बार चारों मैं करूंगा, बस वेट करो। हाँ, ये भी मैं कहूँ कि हम लोग सर को बहुत परेशान किए, लेकिन फिर भी सर थोड़ा सा मतलब सर बहुत पेशेंस रखते थे, हम लोग पेशेंस लूज कर देते, लेकिन सर जितना बार हम रिपीट करते कि चार बार पांच बार सर मतलब एकदम आखिर में अगर कि टाइम एकदम जा रहा है तब सर बोलते कि तुम रिपीट देख लेना उस, नहीं तो फिर सर मतलब चार पांच छह बार तक सर वो बोले कि देख लो एक बार, फिर से देख लो, फिर से समझ। तो ये तो मैं सच में बोलूंगा जिसके वजह से मैं थोड़ा भी बहुत लायक बना हूँ बनाने के लिए, मैं क्यों ना कहूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृणाल, आपने काफी अच्छी अच्छी बातें बच्चों को बताई। निश्चित तौर पे इस डिस्कशन से बच्चों को बहुत फायदा होगा। तो आज के डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। मृणाल, आपको आने वाले भविष्य के लिए बहुत सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अभी पहला रिजल्ट है, अभी और भी आगे आपको जाना है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, और सर प्रणाम सर, मेरी तरफ से भी आपको प्रणाम सर जी, खुश आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, खुश रहे आप सब। ठीक है दोस्तों, तो ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी दक्ष की जहां तक बात है, तो दक्ष जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, आप लोग को बता दें, जनवरी महीना यानी यही 10 तारीख से दक्ष प्रीमियम स्टार्ट हो रहा है। इस बार दक्ष को और बड़ा बनाया गया है, टोटल 233 घंटे हैं इस बैच में, तो जिनको भी ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकते हैं। 10 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे साथियों, और बस इतना ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों। नया वर्ष 2024 उन सभी बच्चों के लिए नई उम्मीदें लेकर के आया है जो 2023 में अपने कौन सब्जेक्ट की वीकनेस की वजह से सिलेक्शन नहीं पा सके, या फिर ऐसे वो स्टूडेंट्स जो 2024 में अपनी बैंक प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, इन सभी के लिए एक तरह का वरदान बन के शुरू होने जा रहा है दक्ष प्रीमियम, जिसके कुल 233 घंटे में हम तीन अलग अलग पार्ट्स में पूरी क्वांट को ब्रेक करके पढ़ने वाले हैं। इसके पहले 50 घंटे में हम स्पीड बूस्टर के लिए कैलकुलेशन की तमाम अप्रोचेस के साथ साथ नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा और इनइक्वलिटी जैसे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है जो सबकी वीकनेस ज्यादातर लोगों की रहती है, अरिथमेटिक क्रैकर। इसके कुल 108 घंटे में हम हर एक टॉपिक को सब टॉपिक्स में ब्रेक कर करके बेसिक टू हाई लेवल के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। थर्ड यानी अंतिम पार्ट शुरू होता है डीआई क्रैकर, जिसके 75 आवर्स में हम हर एक टाइप की डीआई, चाहे वो बेसिक चार्ट्स में बात करें तो टेबल, लाइन पाई या बार ग्राफ हो, या फिर एडवांस लेवल के चार्ट्स, राडार, फनल, बबल, स्कैटर्स, लॉजिकल क्यूमुलेटिव, इस प्रकार की डीआई हो, तो इनको हम तीन डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल में ब्रेक करके पढ़ने वाले हैं साथियों। साथियों, दक्ष प्रीमियम की जो क्लासेस हैं ये शुरू हो रही हैं 10 जनवरी से। क्लासेस की टाइमिंग होगी 4:30 to 6 PM। हर एक क्लास के बाद आपकी एक डाउट क्लास होगी और डेली आपको मिलेगी DPP यानी डेली प्रैक्टिस पेपर, साथ ही साथ सेपरेट कम्युनिटी और बहुत सारी चीज़ें। इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए विजिट करें adda247.com या फिर adda247 एप्लीकेशन, और डिस्काउंट के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं Y179। थैंक यू।